सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम कबीर द्वारा रचित शब्द के पद पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि कबीर दास के जितने भी शब्द के पद हैं सब संगीतमय हैं। बच्चों यह आपके पद है, मोहो कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने किया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। बच्चों ये आपका पद है, यहाँ मैंने कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हैं। मोको मुझे बंदे प्राणी देवल मंदिर मस्जिद मस्जिद काबे मुसलमानों का तीर्थ स्थल, कैलाश शिव जी का निवास स्थान, कोने किसी वैराग वैराग खोजी हो खोजने का प्रयास हो, तुरते शीघ्र मिली हो मिल जाएगा तलाश खोज, कहे कहते हैं साधु सज्जन श्वासो सासो। बच्चों इसका मैंने यहाँ प्रसंग लिखा है, जैसा कि मैंने बताया था कि जब कोई भी गद्य पद दोहा लिखते हैं तो उसका व्याख्या जब करते हैं उसके पहले हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में आपके पाठ्य पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और लेखक किस विषय में बताना चाहता है लिखना होता है। तो इस दोहा का मैंने प्रसंग लिखा है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक छिपित से उद्भित यह शब्द कबीर जी द्वारा रचित है। इस पद में कबीर जी ने मनुष्य को भगवान प्राप्ति के लिए वाह कर्म कांडों दिखावे से दूर रहने की प्रेरणा दी है। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है तथा वह सर्वत्र भक्त के समीप ही रहता है। ईश्वर की इस सब व्यापकता के विषय में कबीर जी लिखते हैं कि मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीर दास जी कहते हैं कि मोको मतलब ईश्वर को कहां ढूंढते फेंकते हैं, वह तो सदैव ही तुम्हारे समीप विद्यमान रहता है, वो तुम्हारे पास ही रहता है। नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना ही वह किसी मंदिर में निवास करता है और ना ही मस्जिद ना काबे, ना काबे जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल होता है, और ना ही कैलाश जहाँ शिव जी का निवास स्थान है, और ना ही वह तुमको कैलाश में मिलेंगे, ना ही ईश्वर तुमको किसी मंदिर में प्राप्त होगा, ना ही मस्जिद में और ना ही काबा में और ना ही कैलाश में वो तुमको कहीं प्राप्त नहीं होंगे। ना तो ने क्रिया कर्म में ना योग वैराग में, जो लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्रिया कर्म कांड का सहारा लेते हैं वह उससे भी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ना ही योग वैराग में। योग वैराग जैसे दुष्कर भाव विचार वाले को भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। अगर तुम सच्चे हृदय से अगर ईश्वर की तलाश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो वो तुमको सहज ही तुरंत ही मिल जाएंगे, पल भर में ही मिल जाएंगे। कहे कभी सुनो भाई साधो सब श्वासों के श्वास में, अगर तुम उन्हें सच्चे हृदय से सच्चे मन से याद करोगे ढूंढोगे तो तुम उनको अपने पास ही विद्यमान पाओगे। अर्थात वह हर साधु हर सज्जन के श्वासों में वो विद्यमान रहते हैं, उनको ढूंढने के लिए तुमको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहने का भावार्थ यह है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी तीर्थ स्थान या फिर किसी मंदिर मस्जिद
या किसी प्रकार का वाय आडंबरों योग वैराग के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर तुम सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करोगे, सच्चा कर्म करोगे, तो वह सदा ही तुमको अपने तुम्हारे समीप वो तुमको दिखेंगे। उनको प्राप्त करने के लिए तुम्हारा सच्चा मन और सच्चा हृदय चाहिए। बच्चों, अगले वीडियो में मैं अगले पद की व्याख्या बताऊंगी। धन्यवाद।